खम्मागणी मित्रों, VRMS विद टेक्निकल और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पोको ने अपना नया फोन लॉन्च किया है पोको X6 Pro और Redmi का नोट सीरीज का ऑल न्यू फोन Redmi Note 13 Pro, तो दोनों में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आपको सेम लुक के साथ में फोन देखने को मिलते हैं और ऑलमोस्ट स्पेरिंग्स आपको सेम देखने को मिलते हैं, बट प्राइस में आपको डिफरेंस है, तो कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा ये आपको लास्ट ओपिनियन में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं भाई प्राइस की, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले भी देख सकते हो दोनों की फोन की प्राइसिंग, और उसी के साथ में अगर बात करूं पोको की तो सेल के बाद में ये आपको 19,999 ₹20,000 में देखने मिल जाएगा, जो कि बहुत अमेजिंग प्राइस है, और वो रेडमी जो है वो आपको सेल के बाद में 24,000 का मिलेगा। और भाई उसी के साथ में दोनों ही फोन्स के अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको 6.67 इंच 1.5K रेजोल्यूशन यानी फुल HD प्लस की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की एक प्रो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब प्रो एमोलेड और सुपर एमोलेड में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की डिस्प्ले काफी सही और एग्जैक्ट कह सकता हूं कि डिस्प्ले दोनों ही सेम है, तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है, बट जो फर्क आता है 20 और 24,000 में वही फर्क आता है भाई यहाँ पे कैमराज में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 16 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पे पोको में देखने को मिलती है, और उसी के साथ में 200 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमराज, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रेडमी में। तो 64 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन फोटो क्वालिटी में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट कम है 20,000 है तो यहाँ पे 20,000 में भाई पोको वाला फोन काफी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है और आपको एक कैमरा की नीड है तो वहां पे मैं आपको लास्ट ओपिनियन में एक दूसरा फोन बताऊंगा जिसके कैमराज आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। लेकिन इन दोनों की बात करें भाई इनके कैमराज में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के ही कैमराज ऑलमोस्ट सेम है, वीडियो करनी हो या फिर फोटो करनी हो भाई दोनों के ही कैमराज अच्छे है। उसी के साथ में अगर बात करूं दोनों फोन के फास्ट चार्जिंग और बैटरी की, तो 67 वाट की फास्ट चार्जिंग 5000mAh की बैटरी पोको में और 5100mAh की बैटरी आपको रेडमी में देखने को मिल जाती है। और भाई अब अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की जो सबसे मेन चीज होती है उसमें भाई दोनों ही फोन्स में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 का प्रोसेसर, 10 5G दोनों में ही और 6,00,000 के एंटूतु स्कोर आपको दोनों में ही फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। तो भाई प्रोसेसर सेम है, स्कोर सेम है, 5G बैंड सेम है, तो दोनों में ही आपको परफॉर्मेंस भी काफी सही मिल जाती है। और भाई अदर फीचर्स की बात करूं तो मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट आपको दोनों में ही नहीं मिलता, डुअल नैनो सिम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और इनबॉक्स चार्जर आपको दोनों ही फोन साथ में देते हैं। तो भाई अब बात करते हैं लास्ट ओपिनियन की कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं अगर आपका बजट 20,000 रुपए या फिर 25,000 भी है ना, तो भाई 20,000 में ये पोको X6 जो है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी फोन है, और अगर आपका थोड़ा सा महंगा फोन लेना है जिसमें कैमराज वगैरह अच्छे हो तो आप ले सकते हो नथिंग फोन 1 या फिर OnePlus Nord CE 3, ये दोनों ही फोन बेस्ट कैमराज के लिए काफी सही है। एनीवे भाई इतना ही था इस वीडियो में, डेफिनेटली भाई पोको ने जो अपने दो फोन लॉन्च किए हैं पोको X6 Pro और X6, ये दोनों ही अमेजिंग फोन है अपने अपने प्राइस में 20,000 और 25,000 में। डेफिनेटली अगर आप कोई भी फोन लेते हो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए रहने वाला है, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।